मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर बड़ा आरोप लगाया है। जरांगे ने दावा किया है कि डिप्टी सीएम उनकी जान लेने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद जरांगे ने फडणवीस के खिलाफ मुंबई मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। जरांगे के इस ऐलान से शिंदे सरकार मुसीबत में फंसती हुई दिख रही है। पूरी खबर क्या है देखिए इस रिपोर्ट में। मराठा समुदाय को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर मनोज जरांगे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और अब उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर अपनी जान लेने की साजिश करने का आरोप भी लगा दिया है। जरांगे ने फडणवीस के घर का घेराव करने का ऐलान किया है, जिस पर पलटवार करते हुए राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो लोग सरकार के खिलाफ बार बार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उन्हें हमारे धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कानून व्यवस्था की समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। जरांगे की भाषा राजनीतिक लग रही है। ये आमतौर पर शरद पवार और उद्धव ठाकरे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले भाषणों में इस्तेमाल की जाती है। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनको शब्द लिखकर दे रहा है। इस तरह किसी पर भी कोई आरोप लगाना महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है और अब उनकी मांगे बदलती जा रही हैं। जरांगे के इस तरह के आक्रामक रुख पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यह एक साजिश चल रही है और इसका जल्द ही पर्दाफाश किया जाएगा। इसके साथ ही सीएम शिंदे ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर हमने जो कहा था वो किया है। सरकार मराठा समाज के लिए सकारात्मक प्रयास कर रही है और जरांगे की सभी मांगे मानी भी गई हैं। इतना ही नहीं, मैं उनके हर आंदोलन में उनसे मिलने भी गया था। वहीं मनोज जरांगे ने शिंदे को सुझाव दिया है कि वे डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात नहीं सुने। शिंदे को ये बताना चाहिए कि कुनबी मराठाओं के सगे संबंधियों पर अधिसूचना क्यों लागू नहीं की जा रही है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।